रामचरितमानस वह ग्रंथ है जो मर्यादा सिखाता है। हमें किस प्रकार मर्यादा में रहना चाहिए, प्राणी मात्र से किस प्रकार प्रेम रखना चाहिए, सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। यह विचार हनुमंत धाम पर चल रही श्री राम कथा के सातवें दिन व्यास गादी से स्वामी शांति स्वरूपानंद जी महाराज ने व्यक्त किए। सत्संग एवं प्रभु नाम से मन को शांति मिलती है। इतना ही नहीं, सच्चे मन से प्रभु का स्मरण यदि करते हैं तो प्रभु भी मिल जाते हैं। जिनके ध्रुव प्रहलाद, मीराबाई, तुलसीदास जी जैसे अनेक उदाहरण हैं। उधर अन्नदान में भी श्रद्धालु बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर दान दे रहे हैं। सुबह से लेकर देर रात तक यज्ञ नारायण की परिक्रमा का क्रम निरंतर जारी रहता है। श्री राम कथा में रामानुज कोट उज्जैन से स्वामी श्री रंगनाथाचार्य जी महाराज भी कथा में पधारे और उन्होंने भी आशीर्वचन दिए। आज राम कथा में भरत जी प्रभु श्री राम से वन में मिलने गए, इस पर दृष्टांत सुनाया। मंच पर आचार्य आदर्श गुरु जी ने शांति स्वरूपानंद जी महाराज का सम्मान किया। कथा के सातवें दिन भी श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर लाभ लिया। इस अवसर पर देवभूमि गुप्त काशी से आए संत कमलेश गुरुजी ने महायज्ञ और कार्यक्रम के आचार्य पंडित आदर्श गुरुजी की माताजी सुशीला देवी शर्मा का कथा स्थल पर सम्मान किया। कन्नौज से कमल गर्ग राही की रिपोर्ट। देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।